अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका टीचर लुकमान और आज की इस क्लास में हम फिक्स सिलेक्शन टूल और मैजिक वैन टूल के बारे में सीखेंगे। तो ये हमारे साथ क्लास 4 है और ये फिक्स सिलेक्शन टूल है, ये कमाल का टूल है। इसमें जो अदर सिलेक्शन टूल है यानी रेक्टेंगुलर टूल, एलिप्टिकल मार्क टूल, इसकी फीचर इसमें है, लेकिन ये कमाल की चीज़ है। अगर अब मैं आपके इसका सिलेक्शन कर दूँ दिखाता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे साथ एक बिजनेस कार्ड ओपन है, मैंने रैंडमली का ओपन किया है। मेरे साथ पिक्चर नहीं मिल रहे तो मैंने ये कार्ड ही ओपन किया है। तो इस कार्ड को, अगर मैंने इस कार्ड को कॉपी करना है, जिसके लिए तो बेहतरीन टूल यही है कि आप रेक्टेंगुलर टूल ले लें और इससे यहाँ तक कॉपी करें। इससे इससे और बेहतर टूल नहीं हो सकता रेक्टेंगुलर टाइप और स्क्वायर टाइप के सिलेक्शन के लिए, तो ये बेहतरीन टूल है। इसके अलावा अगर आपको सर्कल टाइप सिलेक्शन करना है, ये मेरे साथ लोग अगर मैं इसको सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए मैं एलिप्टिकल टूल लूँगा और शिफ्ट प्रेस करूँगा। इस तरह मैं स्पेस के साथ इसको यहाँ तक रखूँगा, फिर मैं इसको ज़रा और ड्रैग करूँगा, तो मेरे साथ हो गया, तो मेरे साथ होगी इसका रेक्टेंगुलर टाइप सिलेक्शन। ये अब मैं डी सेलेक्ट कंट्रोल डी करता, अब इसको मैं क्विक सिलेक्शन टूल से दिखाती हूँ। इसका शॉर्टकट W है, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। आप ब्रैकेट जो ओपन है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, इससे बड़ा होता है जो लेफ्ट राइट साइड है, और जो लेफ्ट साइड पर ब्रैकेट है उससे छोटा होता है। आप इसको यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हो साइज से, ये आप देख रहे हैं, अगर मैं छोटा ही करते आप मिले। तब मैं आपको सर्कुलर टाइप सिलेक्शन दिखाता हूँ, मैं इसको ज़रा छोटा करूँ। मुझे ये जो पोर्शन है इसको सेलेक्ट करना है, तो मैं जो दिखा रहा हूँ क्लिक, इस तरह क्लिक किया तो ये खुद सिलेक्शन करता है। जिस प्लस में आता है जो कलर रेंजेस मैच होती है, इसको ये सेलेक्ट करते हैं। अब इसमें इस ये जो पोर्शन है इसको माइनस करना है, जो वाइट आपको देख रही है, मैं जो कर्सर मूड का जूम टू मूव कर रहा हूँ, तो इसको मैंने माइनस करना। तो मैं फिर W सेलेक्ट करूँगा, ये शॉर्टकट है, मैजिक क्विक सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट है, और फिर मैं R को प्रेस रखूँगा, तो आप सेंटर में आइकन को देख के ये माइनस हो गया, और जो शेप मुझे नहीं चाहिए, जहाँ तक मैं निचले सिलेक्शन को महदूद रखें, तो वहाँ मैं क्लिक करूँगा। इस तरह ये खुद बहुत कैलकुलेशन करता है और सिलेक्शन को मैच करता है। इस तरह ये अंदर गेम में जरा प्लस R को छोड़ना हूँ, ये खुद ऐड करते थे, तब प्रेस करूँगा, फिर मैं R को प्रेस रखता हूँ, जगह को माइनस करता हूँ, तो इसने खुद सर्कुलर टाइप सिलेक्शन कर ली। इस तरह अगर मैंने इस सारे कार्ड को रेक्टेंगुलर और स्क्वायर टाइप सिलेक्शन करना है, तो मैं फिर W प्रेस करके टूल लूँगा और इस तरह इस कार्ड में सिलेक्शन करूँगा, बस क्लिक को प्रेस रख के और सिलेक्शन कर दे जाए। सर इस तरह मैं ये भी करूँगा, सर ये भी, इस तरह इसने आपके जो रेक्टेंगुलर टाइप सिलेक्शन किया। मैं कंट्रोल से कंट्रोल का भी लेता हूँ, तो आप देख रहे हैं कितना ट्रांसपेरेंट का भी इसने लिया है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये कार्ड की कॉपी मैं लेनी, अगर इससे मैंने इस पोर्शन को डिलीट करना है, तो आप भी वो सिलेक्शन टूल से कर सकते, किसी भी सिलेक्शन टूल से आप इस सिलेक्टिंग टाइप सिलेक्शन टूल ले लें, इस तरह जितना आप जगह आपको डिलीट करनी, इस तरह आप जगह सिलेक्शन कर लें और बैक स्पेस और डिलीट की प्रेस कर, तो आपके साथ डिलीट हो गया। तो रेक्टेंगुलर टाइप से आप जैसे आप कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते, किसी जगह को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, सिर्फ उस जगह को सेलेक्ट करके उसमें कोई काम भी कर सकते हो, और इसके अलावा आप उस जगह को डिलीट भी कर सकते हो। ये तो हो गया। अब मैं आपको एक और डॉक्यूमेंट मैंने ओपन किया, इसमें कौन टाइप आइसक्रीम है, मलाई, इसमें हमने इस एक को सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए ये बेहतरीन टूल है। मैं जस्ट क्लिक करूँगा और ये खुद बहुत मैच करेगा। इस तरह मैंने क्लिक करूँगा, इस तरह ये अब जो जगह हमें नहीं चाहिए, तो उसको हम माइनस करेंगे। ये तो हो गया आपके साथ सिलेक्शन, आप देखें कितना खूबसूरत तरीके से मैच कर रहा है खुद। ये हो गया कंट्रोल जी का, तो जहाँ कॉपी सिलेक्शन ये कंट्रोल जी का। अब मैं W को दोबारा लेता हूँ, R प्रेस रखता हूँ, तो ये माइनस करूँगा, इस तरह इसको ऐड करूँगा और इसको दोबारा माइनस करूँगा, तो अब मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो ये रेंडम, अब मैं इसको जस्ट कि इसने रेंडमली कितनी अच्छी तरह से सिलेक्शन कर ली। ये बहुत ही बेहतरीन टूल है, मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ वेब डिज़ाइनिंग में, जब पेंच आइकन ज़रूरत होती है, तो इसके लिए बेहतरीन टूल है। जिस तरह मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, आप W सेलेक्ट कर ले, अब इस तरह सिलेक्शन कर ली शेप पे,
अब मैं इसको या तो इसको तो सबको सेलेक्ट करते या नहीं सेलेक्ट, तो आप जस्ट माइनस कर दी इसको, जिस जगह तक महदूद रखना है वहाँ तक इसको माइनस करें। तो ये हो गया मेरे साथ इस चीज़ के से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो ये आपके साथ ट्रांसपेरेंट स्टोन जो है वो आ गया। इसके अलावा कंट्रोल डी करता हूँ मैं इस पोर्शन से, तो आप डब्ल्यू से इस चीज़ को, इस पोर्शन को, इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर, इस तरह आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये खुद कैलकुलेशन बहुत ही बेहतरीन टूल है। आप जब पिक्चर में बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो ना, तो इस चीज़ से अपने पिक्चर को सेलेक्ट कर ले। आप मैं आपको जस्ट डेमो के लिए दिखाता हूँ। तो मैंने अब इस पिक्चर को ओपन किया है, अब इस पिक्चर को सेलेक्ट करें, तो आप देखें खुद बहुत सिलेक्शन करें। आप जितनी पोस्ट आपने लेना है वो आपको सेलेक्ट कर ले। इस तरह के साथ बैकग्राउंड हो उसमें पिक्चर लेना है तो आप जस्ट बैकग्राउंड को छोड़ ले, पिक्चर पर क्लिक करें। जब पिक्चर सेलेक्ट हो जाए तो उसका कॉपी ले लें और बैकग्राउंड से आप छुटकारा हासिल करेंगे। इस तरह मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, मैं इस तरह सिलेक्शन कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं। ये बहुत अच्छी टूल, इसलिए मैं इस पर टाइम ले रहा हूँ किताब को, इस ताकि आपकी इसकी बहुत अच्छी समझ आ जाए। बेहतरीन टूल है सिलेक्शन के लिए। बहुत ही बेहतरीन टूल है सिलेक्शन के लिए। अब सिलेक्शन कर लिए तो जस्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी, आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी सिलेक्शन कर ली इसने। तो अगर आपको इसकी एक भी सेलेक्ट करना है तो इस तरह कर सकते हो। सिर्फ पूरी है जो भी है इसको सिर्फ लेना है, तो आप इसको कंट्रोल डी इस बैकग्राउंड को सेलेक्ट करता हूँ। हाँ, एक बात याद रखना, जहाँ भी सिलेक्शन करना है उसको यहाँ लेयर में सेलेक्ट करना है। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, जुकाम है, इसलिए बार बार खांसी भी आ रही है। और जो कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी आप देख रहे कि मैं दे रही, अब ये जो दूसरा टूल है मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ। सपोज मैंने ये ले लिया, इसको मैंने ये पिक्चर ड्रैग किया, इसको थोड़ा बड़ा कर ये, और इसको हम फ्लैट इमेज करते हैं, मैंने एक इमेज करते हैं। ये साथ मेरे साथ एक देर में होगा। इस टाइप के लिए जब आपके साथ सिर्फ सिंगल बैकग्राउंड हो, इसके लिए ये बेहतरीन टूल है, ये मैजिक वैन टूल। आप जस्ट क्लिक करें एंड बैकग्राउंड को जस्ट, जब ये सिलेक्शन हो गया तो ये आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड की सिलेक्शन हो गई। तो आप जस्ट सेलेक्ट सेलेक्ट में जाए और सिलेक्शन को इन्वर्स करें, तो आप देखें कि इमेज की सिलेक्शन हो। आप जस्ट इस कंट्रोल से कंट्रोल और कॉपी ले लें, तो आपके साथ सिलेक्शन हो गई। इस तरह की सिलेक्शन है जहाँ सिर्फ सिंपल बैकग्राउंड होती है, इसके लिए बहुत बेहतरीन, जस्ट सिंगल क्लिक से ये सारा बैकग्राउंड सेलेक्ट करता है। अब मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ, दोबारा कर दूँ कंट्रोल जी से, तब जो फिर दोबारा ले लिए मैजिक वैन टूल क्लिक किया। अब मैं इसको एक और कलर देता हूँ, ये सपोज ये कलर दे दिया, कंट्रोल बैक स्पेस और कंट्रोल डिलीट ये कलर दे दिया। अब मुझे इस बैकग्राउंड से क्लिक करना है, तो आप जस्ट सिंगल क्लिक करें, आप देखें बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गई। देन आप कंट्रोल शिफ्ट आई और इनवर्स सेलेक्ट कर ले और कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इस तरह आपके साथ ही सेलेक्ट हो गया। तो ये था क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वैन टूल। ये बहुत ही बेहतरीन टूल है, इसके क्विक सिलेक्शन टूल है, ये बहुत ही मज़ेदार टूल है। जब भी सिलेक्शन करना हो तो आप ज़्यादा इस तरह को यूज़ करें, जिससे आपके काम बहुत आसान होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।